हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया और प्रीवियस ईयर के 9 वीडियो अपलोड कर दिया गया मैथ का। यदि आपने वो 9 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, हमको किस तरह से सॉल्व करना होता है, हमको आपको यही बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने से ही फायदा होगा कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि एग्जाम में ग्रुप डी या एनटीपीसी में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमको किस तरह से सॉल्व करना होता है। आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 का स्क्वायर गुणे ब्रैकेट में 2+3 माइनस के 11। आपको इसको सॉल्व करना, तुम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुणे ये कितना होगा, 3 2 5, और 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 6। कितना बचेगा, माइनस के 6। देखिए 3 2 कितना होगा, 5, यानी ये 5 माइनस के 11। भाई 11 में से 5, तो अब 11 में से 5 घटाएंगे ना, जो ज्यादा होता है उसी को चिन्ह लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, और ज्यादा माइनस वाला है इसीलिए कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। और ये जानते हैं 16 का कितना होगा, 96, 16 का 96, और माइनस से तो क्या आ जाएगा, माइनस के 96। देखने में क्वेश्चन कितना आसान है और एक नंबर में आपको आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला। देखिए दोस्तों, ये RRB ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 को पूछा जा चुका है, थर्ड शिफ्ट में। तो आप सिर्फ जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आप सबको देखते रहिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। भाई आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप देख लेंगे किस तरह से लगाया जाता है तो और अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम कौन सा क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाने का। तो 40 माइनस के 2, 40 माइनस के 2। अब ये नहीं कि 40 में से 2 घटा लेगा, अभी इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, ब्रैकेट है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये कितना है, अच्छा देखिए, अब ये भाग तो नहीं जाएगा, 5 से 13 में भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा, 13/5 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 12+13/5, कितना हो जाएगा, 13/5 गुणे 3, और 5 × 2 = 10। देखिए क्या किया गया, 12 को ऐसे रखा गया है, 12 को ऐसे रखा गया है, भाग है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। जैसे भाई लिखा है 13/5, इसके मतलब क्या है, यही तो होगा 13/5, तब 5 से भाग करेंगे तो इसको हम क्या लिख दिए, 13/5। अब देखिए गुणे में था तो गुणे 3 लिख दिया गया, इधर माइनस है, माइनस 5 × 2 = 10। अच्छा देखिए, अब फिर क्या करेंगे, इसको 40 माइनस के 2, अच्छा 12 है, ये क्या है, माइनस के है, तो इसको एक साथ घटा देते, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 10 जाएगा 2, और ये कितना बचेगा, 13 × 3 = 39/5, 39/5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 19। अच्छा देखिए, ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, तो 40 और 19 कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, 40 और ये प्लस 59 हो जाएगा, और माइनस के 2, इधर 5 × 2 = 10 कितना होगा, 5 × 2 = 10, और 39 × 10 कितना हो जाएगा, 49/5, ठीक है। तो ये कितना होगा, 59 − 49 = 98/5। अभी कितना होगा, 98 − भाग कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 1 कितना होगा, 5, इधर कितना बचेगा, 4, 48 हो जाएगा, और 5 × 9 = 45, कितना बचेगा, 3, 30, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। यानी देखो 69 में से 19.6 को घटाना है, तो यहाँ कैसे घटाएंगे, देखिए 69 में से कितना घटाना है, 19.6। अब देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं, दशमलव लगा के अब 0 बढ़ा सकते हैं, तब यहाँ से घटाएंगे, उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, इधर कितना बचेगा, 8, एक उधार लेगा 18, 18 में से 9 जाएगा 9, इधर कितना बचेगा, 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, 39.4, कितना आ जाएगा, 39.4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए दोस्तों, ये भी 2018 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लीजिए कैसे लगाया गया है।
देखिए सबसे पहले क्या किए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले भाग किया जाता है, तो भाग वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। इसके गुणन चिन्ह है तो गुणक चिन्ह लगा दिए, पाँच दूनी कितना होगा 10। अब देखिए ये तो गुणा करेंगे कितना, 13 39 5 आ जाएगा। साथ में ये भी करते रहेंगे थोड़ा आसान होगा, 12 में से 10 जाएगा 2, अब प्लस के 19 इधर लिखते रहेंगे। अब देखिए 40 में से 19 घट जाएगा, सॉरी ये प्लस 40 में 19 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 इधर 10 हो जाएगा, 39 10 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये गुड़े में है तो 49 दूनी 98 बटे 5। अब इसको भाग कर देंगे 5 से 19.6 आ जाएगा, 59 में से घटा देंगे तो 39.4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा देखिए एक सीधी लाइन दिख रहा है, यहाँ भी एक सीधी लाइन दिखा है, इसको बोला जाता है मॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉड, यानी पहले मॉड को सॉल्व किया जाता है। जिस तरह ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है उसी तरह मॉड को पहले सॉल्व किया जाता है। तो अब इसके अंदर क्या, सबसे पहले भाग की क्रिया किया जाएगा, तो यहाँ 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा -3, 7 से भाग करेंगे 7 3 21, यहाँ माइनस तो कितना हो जाएगा इसका मान, यानी -3 हो जाएगा कि नहीं। अब -3 है ये कितना, +12 है, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, यानी यहाँ का मान कितना आ गया 9 आ गया, गुड़े 21 प्लस के 5, यही तो होगा भाई। देखिए इसको आप फिर से समझिए, 7 से भाग करेंगे कितना होगा 7 3 21, और माइनस से तो इसका वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा, और 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, और गुड़े 21 है तो गुड़े 21 लगा देंगे, +5 है तो +5 लगा देंगे। अब इसका गुड़ा कर देंगे 9 1 9 और 9 2 18 +5, इसको जोड़ देंगे 89 कितना होगा 90 4 94 कितना आ जाएगा 194, कितना आ जाएगा 194। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अब इसमें दिया है भाई देखिए, यहाँ आया है एक वर्ड आया का, यानी हम सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। अब का मतलब क्या होता है, घोड़े का चिन्ह, यानी इसके जगह क्या आ जाएगा, घोड़े का चिन्ह आएगा। उसके बाद हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, साथ में देखो का लगाएंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इधर जैसे वैसे लिख देते हैं 63 -3, और इसको देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट को तो सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -2 और -8 -10 हो जाएगा, और -4 कितना हो जाएगा -14 / 3, गुड़े का की जगह कौन सा आ जाएगा, घोड़े आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना, 2 1 2 -2 और -1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +2, और 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया, 7 आ गया कि नहीं, देखिए 2 1 2 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर लेंगे यहाँ तो 63, अच्छा देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 14 3 42 कितना हो जाएगा 14 3 42, और ये का था इसीलिए एक साथ गुणा होगा 7 3 21, कितना होगा 7 3 21। भाई भाग है तो कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा, इसका मान कितना होगा 7 3 21 से कहाँ आ जाएगा, भाग है तो नीचे आ जाएगा। अब 21 दूनी 42 तो 63 - 2 कितना आ जाएगा 61, 63 - 2 कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छा सा होना चाहिए तभी आप एग्जाम में अच्छे से लगा पाएंगे। बस आप क्वेश्चन को देखते रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एग्जाम में इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब सबसे पहले क्या करना है भाई, हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इधर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 3। सॉल्व तो हम ब्रैकेट को ही पहले करेंगे, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, इतना तो कार्य कर सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे 3। और उसके बाद अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और देखिए 2 में से 3 नहीं घटाएंगे, घटेगा 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे, ज़्यादा कौन है -3 है, तो यहाँ इसका मान कितना आएगा -1 आ जाएगा कि नहीं, और 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4 प्लस के 3 दूनी 6 1 7 बटे 2। बस सारे ब्रैकेट को एक साथ हटा दिए हैं, अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसके नीचे क्या कर लो, 1 मान लो, और 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6 दो बार जा रहा है, यानी इसमें 2 का गुणा होगा, यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और -1 का भाग करेंगे कितना बार जाएगा 6 बार, तो इसमें 6 का गुणा होगा कितना होगा 6 4 24,
प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दो तीन छः हो गया, यानी तीन का गुणा होगा सात्रिक 21। अच्छा देखिए 14 माइनस की 24 है, तो भाई 24 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, माइनस के 10, कितना बचेगा माइनस के 10 प्लस की 21 बटे 6। अच्छा भाई 21 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 11, 11 दस 21 तो 21 बटे 6 कटेगा नहीं, तो यहीं क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11 बटे 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बताएं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 3 × 2 = 6 = 7, 7 / 3। अच्छा देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा ना, तो 3 में से 2 घटाओगे 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 1 बचेगा, और माइनस के 1 यहाँ कितना प्लस 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, यही लिख दिया गया है। इसको भी 3 × 2 = 6 = 7 / 2। अच्छा देखिए अब क्या किए हैं, 3 × 1 = 2, यानी 3 × 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब जितने बार भाग जाता है उससे उतने बार ऊपर गुणा कर दिया जाता है, 3 × 2 = 6 यानी 2 का गुणा होगा 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 1 से भाग करोगे 6 बार जाएगा, इसमें 6 का गुणा होगा 6 × 6 = 24, और 2 × 3 = 6, इसमें 3 का गुणा होगा 21 हो जाएगा। अब 14 में से 24 जाएगा नहीं जाएगा, तो 24 में से 14 ले जाएंगे, ज़्यादा माइनस वाला इसलिए क्या होगा माइनस में आंसर आ जाएगा, और ये कितना 21, 21 में से 10 जाएगा 11 / 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 36² - 35² इसका वैल्यू कितना होगा। भाई अगर आप डायरेक्ट 36 में 36 का गुणा करके और 35 में 35 का गुणा करके घटाएंगे तब ही आपका आंसर आएगा, लेकिन ये क्या तरीका बहुत कठिन पड़ जाएगा। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, वहाँ आपको 40 सेकंड में लगाना है, तो अब जैसे 36 में 36 का गुणा करेंगे तब तक आपका 1 मिनट हो जाएगा, और 35 में 35 का करेंगे तब 1 मिनट हो जाएगा, और घटाएंगे तब भी 1 मिनट हो जाएगा, यानी 3 मिनट हो गया, 3 मिनट में लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूले से लगाएंगे, हमारा फार्मूला जानते हैं a² - b² बराबर कितना होता है, एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b, कहीं भी a² - b² दिखे आप उसको एक बार एक ब्रैकेट में प्लस लिख दिए, एक बार माइनस, तो यहाँ पर देखिए a² - b² है कि नहीं, यानी इसको बार हम प्लस लिख सकते हैं, एक बार क्या लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं, एक बार क्या लिख सकते हैं माइनस, और 35 + 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, और 36 में से 35 जाएगा 1, तो 71 का गुणा करेंगे 1 में कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। अब कहीं भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। दोस्तों ये भी देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, हम प्रीवियस ईयर 2018 में या इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे उसी को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकर को सॉल्व करते हैं। अब ब्रेकर में सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 से 24 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इधर वाले को ऐसे लिख लो भी 7 × 3 + 8 = 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कितना आ जाएगा 3 × 3 - 4 × 2 + 12, यही तो होगा। सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले भाग वाले को सॉल्व करेंगे, अब बाकी उसके बाद भाग के बाद क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, तो गुणा वाला कर लो सॉल्व, ये कितना होगा 7 × 21, 3 × 3 = 9, और 4 × 2 = 8, 4 × 2 कितना हो जाएगा ये 8, और प्लस के 12। अच्छा देखिए अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 40 × 21 = 9 कितना होगा 21 × 9 = 30, और 30 में से 8 जाएगा कितना होगा 22, कितना हो जाएगा 22, और प्लस के 12। अच्छा 40 है और ये प्लस है, 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, 40 + 12 कितना हो जाएगा 52, और 52 में ये कितना होगा माइनस के 22, और 52 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी वाला। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2018 में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले
भाग वाले को सॉल्व किया जाता है। तो जब भाग करेंगे 8 तरीक कितना हो जाएगा 24, यानी इसके जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बाकी 40 ऐसे लिखे हैं, 7 गुड़े 3 ऐसे लिखे हैं, इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8 तरीक 24 गुड़े 3, बाकी सब ऐसे उतार लिया गया है। उसके बाद सबसे उसके बाद क्या करते हैं, हम भाग के बाद गुड़े करते हैं, तो इधर कितना 7 तरीक 21, 3 तरीक 9 और 4 दुनी 8 प्लस के 12। अब देखिए 21 में 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 8 जाएगा 22, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस 22 हो जाएगा। अब प्लस के 12, ये दोनों प्लस में है तो 40 12 जोड़ेंगे 52 आ जाएगा, माइनस के 22, 52 में से 22 जाएगा कितना हो जाएगा 30। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए ब्रैकेट में ए भी ब्रैकेट में ए भी ब्रैकेट में, तो यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ प्लस से जोड़ देंगे, यहाँ माइनस से तो घटा देंगे। तो ब्रैकेट में सॉल्व करने से देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए भाई, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, अब कुछ कटेगा नहीं, यानी ऊपर कितना होगा 4 होगा, और कितना होगा 3 3 9। अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 35/6, इसमें देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 11/3। देखिए यहाँ कर दिए हैं, 2 से काटे हैं, 2 3 6, ऊपर कितना है 4, ये 3 3 9, अभी कितना हो जाएगा 7 5 35, 3 2 6, 4 से 4 काट दिए हैं, कितना बचेगा 11/3, और 9 6 3 के एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, 9 2 18 होते हैं, यानी 2 का गुणा होगा तो 4 2 8, प्लस 6 3 18 होता तो इसमें 3 का गुणा होगा, और 35 2 70 3 105, कितना हो जाएगा 105, और 3 से करेंगे तो कितना 3 6 18, यानी इसमें 6 का गुणा होगा 11 6 66। अच्छा देखिए ये दोनों प्लस में है तो जोड़ लेंगे तो 105 और 8 कितना हो जाएगा 105 5 110, यानी 113 माइनस के 66/18। अब घटा लीजिए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा उधार लेगा, 13 में से 6 जाएगा 7, कितना बचेगा 7, इधर कितना हो जाएगा उधार दे दिया है तो 0 बचेगा, उधार लेगा 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 47/18, कितना हो जाएगा 47/18, अभी कटेगा भी नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है, पहला वाला ऑप्शन 47/18 दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला। ये भी देखिए दोस्तों 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 273/195 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब इसको जब आप काटिए, जब तक कि कटे तब तक काटिए, जहाँ पर कटना बंद हो जाएगा वहीं उसका क्या हो जाएगा सरलतम रूप हो जाएगा। तो भाई इसको काट देते हैं, देखिए किस संख्या से कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 27 3 1 3, और ये कितना होगा 3 6 18, 1 बचेगा 3 5 15। अब देखिए फिर किससे कटेगा, 13 से काट दीजिए, 13 7 91 और 13 5 65, यानी कितना होगा ऊपर 7 है नीचे 5 है, यही क्या होगा आंसर। अब देखिए क्या एक एक संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। देखिए दोस्तों ये भी 2018 में पूछा जा चुका है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट यही है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चिन्ह आ गया है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, बार बोला जाता है, यानी अगर बार आ गया तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ नहीं, हम तो जानते हैं भाग सबसे पहले किया जाता है, यही है 4 से अगर भाग कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा गलत हो जाएगा, यानी पहले बार लगा, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने मतलब अगर गुड़े में है तो इसको गुड़ा कर लेंगे, अगर प्लस में रहता तो जोड़ लेते, माइनस में होता तो घटा लेते, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी को सेम वैसे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 154/30 33/25 माइनस के 176। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बाकी ब्रैकेट को बंद कर लो। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सब इसके पहले इसमें भाग है तो भाग करेंगे। अब देखिए 16 × 10 कितना होता है 160, और 16 से भाग करेंगे एक बार और जाएगा, 16 से भाग करेंगे कितने बार कटेगा 11 बार कटेगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 11, इससे जब कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 11, और 25 में से 11 जाएगा कितना बचेगा भाई, 25 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14, यानी कितना हो गया 33 − 14, इधर कितना बचेगा 33 − 14, ये यहाँ पर ब्रेकेट आप लगा लीजिए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत
नहीं है, तभी आपका स्पीड थोड़ा सा मेंटेन होगा। बात को समझ रहे हैं ना, क्या कि 16 से जब भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा, 11 बार। देखिए 16 एकम 16 एक बचेगा, फिर 16 एकम 16 इधर 11 बचेगा, और 25 में से 11 जाए कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं, तो 33 में से 14 जाएगा कितना बचेगा भाई, 33 में से 14 तो देखिए इधर 13 में से 4 जाएगा 9, इधर कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी इधर कितना होगा 30 माइनस के 19। इधर भाग लगा है तो भाग लगा दीजिए, 154 भागा। अच्छा देखिए 30 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, 11 बचेगा। 30 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, 11। अब भाग का चिन्ह भाग कर लीजिए, 11 एकम 11 कितना बचेगा 4, और 11 चौक 44 कितना बचेगा 14, कितना हो जाएगा इसका आंसर 14। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर होगा। दोस्तों यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।